वेलकम टू रोशन हेल्थ किचन। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कश्मीरी कोफ्ता बनाना। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, प्लीज़ इसका सामान आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 300 ग्राम्स कीमा लिया है, इसे आप चिकन या मटन किसी का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन का यूज़ किया है। प्लीज़ इसे आप वॉश करके इसे ड्रेनर पर ज़रूर रख दीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो, ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये मैंने 1 लार्ज प्याज ली है, इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। ये 4 टेबल स्पून ऑयल है, इसे आप ऑयल या बटर किसी में ही बना सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है, सूखा मैंने ऐसे ही भून लिया है ये, जिससे इसका कच्चापन सारा निकल जाए। ये 3 टेबल स्पून दही है। ये 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है ये। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें। ये 1/2 से भी कम टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर है। ये मैंने ये काजू को बारीक से मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी आप फाइनली ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी मोटा हो गया तो कोफ्ते हमारे फट सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। ये 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है एंड 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है। अब इसका हम सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम मैरिनेशन तैयार करते हैं इसका। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें हम ये कीमा डालेंगे। कोकोनट पाउडर, बेसन, इसमें 1/2 हम सॉल्ट डालेंगे, 1/2 रेड चिली पाउडर, 1/4 क्यूमन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 1/2 हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लेंगे, काजू का पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम दही डालेंगे, 1/2 अच्छे से हम हाथों से मिलाएंगे, जैसे इकोली सब मिल जाए। देखिए पिक्चर हमारा सारा ये मिक्स हो चुका है, अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हाथ से ही मिलाना है, जैसे इकोली बहुत अच्छे से मिल जाए, और 5 मिनट बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। एक बॉल के बराबर हम इसका गोलर बनाएंगे और फिर इसको ऐसे शेप में बनाएंगे। आप चाहें तो इसके गोल गोल भी बना सकते हैं कोफ्ते, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट कोफ्ता है तो थोड़ा डिफरेंट साइज तो अच्छा लगता है। इसको आप ऐसे कर लीजिए और इस शेप में हमें इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इसको हम मसाले में डालेंगे और चलिए अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। देखिए मैंने कढ़ाई ये रख दी है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल के गर्म होने का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें पेस्ट डालेंगे। और से बस 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें हम ये अनियंस का पेस्ट डालेंगे, इसे भी हमें फ्राई करना है जिससे इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। देखिए प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, वहाँ से मसाले ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक एंड सॉल्ट, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मसाले हमारे थोड़े से भुन चुके हैं, हम इसमें ये दही ऐड करेंगे और मसालों के साथ इसे भी थोड़ा भूनेंगे।
ये देखिए दही में अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी में हम ये कोफ्ते ऐड करेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना, ये दही के पानी में ही अपना पक जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि पानी कम है कोफ्ते गलने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। बस ये कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे हमें चलाना नहीं है, बस ऐसे करके थोड़ा सा हिलाना है। इसे हम कवर कर देंगे जब तक हमारे कोफ्ते अच्छे से बन नहीं जाएं। ये देखिए ये कोफ्तों ने पानी छोड़ा था, लेकिन वो कोफ्ते गलने के लिए कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। बस ये जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद कोफ्ते हमारे तैयार हैं। 5 मिनट बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। इसे लो फ्लेम पे हम इसकी लिड लगा के रख दे देंगे। देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। हम इसमें ग्रेवी के लिए बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे इसकी थिकनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया है और इसके बाद 2 मिनट के लिए हम इसे फिर लिड लगा के रख देंगे, जिससे हमारे पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी का कच्चापन की नहीं आए। देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें बस हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर अच्छे से वॉश करके कट कर लीजिए इसे, और वो फिर वो ऐड कर दीजिए। इसे ऐसे करके मिला दीजिए। कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। देखिए डिश हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए डिश हमारे बिल्कुल रेडी है। इसे हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत टेस्टी होती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, और आपको ये डिश हमारी पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।